मर्द को दर्द होता है और वो रोता भी है, लेकिन जब आमिर खान की तरह कोई ज्यादा ही इमोशंस में आकर आंसू की नदियां बहाता है, तब ट्रोलर्स उनको हैंकरचीफ नहीं बल्कि भर भर के ट्रोल्स देते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ बजरंगी भाईजान से, जहां पर फिल्म का रिव्यू शो देखने के बाद आमिर दिखाई दिए अपने आंसू पोंछते हुए। लोगों को तब उनके आंसू जेन्युइन लगे, एज बजरंगी भाईजान वाज एन इमोशनल फिल्म। नेक्स्ट डे बजरंगी भाईजान को छोड़कर लोग कॉन्सेंट्रेट करने लगे उनके रोने पर। जब वो कट्टी बट्टी के वक्त भी रोते हुए निकले फिल्म के बाद, तो फिर लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने आमिर खान को क्राय का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और किसी ने आमिर को अपने ही आंसुओं में डुबो दिया। आमिर डेफिनेटली डिडंट माइंड एज ही वाज एंजॉयिंग ऑल द अटेंशन। आमिर जाने जाते हैं एज अ मार्केटिंग गुरु इन बॉलीवुड, और वो अच्छी तरह से जानते हैं सारे पैंथरों को अपने आप को न्यूज में रखने के लिए, फिर चाहे वो अपनी पीआर सर्विस यूज करें या फिर हैंकरचीफ। आमिर भी ना सच में जिसकी मूवी देखते हैं वहाँ इतना रो देते हैं, इतनी पब्लिसिटी ले लेते हैं कि सामने वाला स्टार तो रियल लाइफ में रोने लग जाता है।